बादल वर्षा बिचोली बढ़ती कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई चीज गुम हो गई और मिली ना हो? मेरे साथ हो चुका है, मम्मी के साथ भी हो चुका है। मम्मी का लॉकेट गुम हुआ था, वो अभी तक मिला नहीं है, और मेरे साथ चांदी का इतना सारा सामान गुम हो गया वो भी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की सुबह होती है 11 बजे, मतलब सुबह काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन इसके बाद अभी हमने बहुत सारा काम किया। तो ये है कुछ बर्तन। तो जैसे कि पिछले कल बर्थडे था, तो उसके बाद हमें बहुत सारा काम हो गया नेक्स्ट डे, मतलब बहुत ज़्यादा हैडटेक वाला दिन था। तो आज की जो वीडियो है ना, वो कुछ इस तरह से है कि थोड़ी बहुत सफाई, जो भी मतलब मॉर्निंग का छोटा मोटा जो भी रूटीन था, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो वही है। ये यहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है, तो इसको हम पहले समेटेंगे, अच्छे से साफ करेंगे, और उसके बाद हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। इधर नियति को ना तैयार करके फिर से फोटोशूट हो सकता है एक बार, क्योंकि नियति का फोटोशूट अभी तक हुआ नहीं है। तो आज मैं इसकी अपनी भाभी कराया गया है, मतलब तो उनकी बेटी ने पहना था शायद, है ना। तो अपनी भाभी, आपकी ये वाली चीज़ यहाँ पे है, ब्लॉग देखोगे तो पता लगेगा। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट में क्या बोलूँ, पापा का परा। अच्छा चल ठीक है। तो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं उस सॉन्ग की, जो कि नेपाली सॉन्ग है और बहुत ज़्यादा चला हुआ है, जिसमें लड़कियाँ ही गाना गा रही, मतलब डांस कर रही है। मैंने सोचा कि ना ये भी करे, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा कर रहा था। वर्षा भी चोली बढ़ती पानी, हाँ ऐसा वो ऐसा सर की जवानी। नहीं, वो वाला स्टेप भी था जो वैसे बात। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद था, ये मैट है ना, तो इस वजह से पता नहीं लगता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे सामान पड़ा हुआ था। तो पहले ही इसको फटाफट समेटा, और उसके बाद मैंने इसको भी लगाया थोड़े बहुत काम पे। और उसके बाद गाइज, जो भी आज की वीडियो रहने वाली है ना, वो है ये नियति की बर्थडे की ओपनिंग, मतलब जो भी गिफ्ट मिले है वो ओपन करूँगी। साथ में ही मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे याद आया क्यों ना मैं पहले वाले गिफ्ट भी दिखा दूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ी इसी में एडिट करके। तो यहाँ पे बैठे हैं मम्मी डैडी, और सबसे पहले गिफ्ट खोल रहे हैं हम सोनिका का। तो सोनिका, थैंक यू सो मच कि तूने ये वाला गिफ्ट भेजा, हमने जब देखा ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। तो साथ में ही मैं सब लोगों को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने भी ये गिफ्ट भेजे हैं। और ये वाला सोनिका का गिफ्ट है, और ये फैमिली फ्रेम है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सारी फ़ोटोज इसने सारी फेसबुक से ली है। अच्छा है ना, कैसे लगा मम्मी ये गिफ्ट? सबसे बढ़िया, मतलब ये ऐसी चीज है ना, ना ये फेंक सकते हैं। इसकी पड़े मजे है खेलने के लिए। तो ये वाला गिफ्ट है नियति के भाई की तरफ से, मतलब विदुष की तरफ से। थैंक यू सो मच विदुष। थैंक यू विदुष फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। राकेश वाली अंकल को
लालची बंदर, लालची बंदर, लालची बंदर, लालची 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 हाँ ये बढ़िया क्या है टॉयज इसके खेलने के लिए नियति के ये तो टॉयज देखो कितने अच्छे अच्छे छोटी दादी बुई का होगा मैया को ये क्या होगा इसे तो देख लिया हाथी मेरे साथी। तो ये वाला गिफ्ट है नेहा की तरफ से और काफी ज्यादा सुंदर गिफ्ट था। नियति के पास ये तीसरा यूनिकॉर्न हो गया है और काफी ज्यादा सुंदर है, घर पे बहुत पसंद आया। बहुत सुंदर है, देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर होती है। तो यहाँ पे चॉकलेट का जो स्नैकर का डब्बा है ना ये भी गिफ्ट में मिला है छोटे की तरफ से। तो यहाँ पे हमें मिली है ही नदी की तरफ से कांसे की थाली और कौली। वो बोल रहे थे कि इसी में खाना खिलाना, तो हम ज़रूर खिलाएंगे ही नदी, और काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया है। तो बोलते हैं ना कांसे की थाली में खाना खाने से बहुत सारी बीमारियों का वो होता है। सो यहाँ पे दादू ने भी चांदी की थाली दी है, तो चांदी की थाली में खाना खाने से दिमाग शांत रहता है, शरीर ठंडा रहता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे कि खाना लंबे टाइम तक इसमें चल पड़ता है, उसके अलावा बहुत सारे। ये वैसे ओपनिंग हो चुकी है इसकी ना, उसने श्रुति ने कल चेक करवा दी। Thank you.
हाय गाइस, मैंने आपको बोला था ना मैं आपको कुछ नियति के गिफ्ट दिखाती हूँ, लेकिन मैं अभी ढूंढने लगी ना, मुझे मिला ही नहीं। मतलब पूरी अलमारी मैंने साफ कर दी है, हर एक कॉर्नर मैंने देख लिया, जिस चीज में मैंने रखा हुआ था वो वहाँ पे है ही नहीं। और मुझे डाउट है कि मतलब कहीं वो मतलब कहीं किसी ने ले तो नहीं लिया होगा, बट यहाँ पे आता भी कौन है, कौन ही लेगा। वो मुझे मिला ही नहीं है गाइज, और मेरे को बड़ा ज़्यादा दुख रहा है। उसमें सोने का कुछ नहीं था, चांदी चांदी का था, लेकिन बहुत सामान था चांदी के, बहुत उसमें पायल थी, चार पांच कड़े थे, मतलब चांदी के कड़े थे, बहुत कुछ था। लग गई है, बट देखो ना 12:20 हो गए, इसको सोने का नहीं है। तो गाइज मेरे को अभी सामान नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई चीज़ गुम हो गई और वो मिली ना हो? मेरे साथ हो चुका है, मम्मी के साथ भी हो चुका है। मम्मी का लॉकेट गुम हुआ था, वो अभी तक मिला नहीं है, और मेरे साथ चांदी का इतना सारा सामान गुम हो गया, वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब पूरी अलमारी देख लीजिए, उसके अलावा कहीं रखा ही नहीं था मैंने, और बाकी मैंने मतलब हर एक कॉर्नर देख लिया जहाँ मुझे लग रहा था वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कर सब्सक्राइब करना, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन आप कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर छोड़ना। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।